हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ट्रिकी टेक टॉक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे JBL T460BT और JBL T450BT, दोनों में कंपेयर करेंगे और दोनों के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंड दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्त, ये JBL से आए हुए हेडफोन्स हैं, दोनों मैंने अमेजन से मंगाए हैं। JBL T450BT आपको 2500 का पड़ेगा और JBL T460BT आपको 2700 अप्रोक्सीमेट पड़ेगा। दोनों की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, फिजिकल ओरियो सेम है। अब तो उसमें इसका आपको अनबॉक्सिंग करके और इसके जो कंटेंट्स है वो दिखा के और दोनों की साउंड क्वालिटी में कंपेयर करके दिखाऊँगा। एंड आपको दोनों में बॉक्स डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। 460BT में आपको थोड़ा बॉक्स डिफरेंट क्वालिटी का मिलता है और 450BT में आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का बॉक्स मिलेगा। तो ये देखिए, ये 460 का बॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये मैंने ब्लैक कलर में मंगाए हैं और यहाँ पे इसका क्विक स्टार्ट गाइड और इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगी। पेपर वर्क में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम। ये इसकी चार्जिंग केबल है, इसमें पेपर वर्क है और ये है आपका 450 का बॉक्स। इसमें ये आपको पेपर वर्क मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल और ये मैंने ब्लू कलर में मंगाया। तो दोस्त, अगर आप देखेंगे दोनों में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फोल्डेबल है, दोनों की डिज़ाइन बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, सिवाय इसके कलर के और बाकी आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। और दोनों ही अच्छे साइज़ आपके किसी भी हेड पर सेट हो जाएंगे, इनमें जो ये स्ट्रेचेबल हैं। अब आपको इसको मैं फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका माइक्रोफोन है जिससे आप इजीली कॉल ले सकते हैं, जो कि इससे बहुत अच्छे से कॉल होती है। और यहाँ पे आपका ये पावर बटन है जिसको आप एक बार 2 सेकंड 5 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ के लिए। ये आपका कॉलिंग, आंसर कॉल, प्लेबैक बटन, प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन है। दोस्त, ये ब्लैक क्वालिटी में है, 460BT, जो उनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये आपका 450, अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू तो दूँ तो आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी आपके सेम बटन, सेम माइक्रोफोन, LED, वॉल्यूम अप डाउन एंड प्ले पॉज बटन है। ये भी सेम क्वालिटी और सेम हेडफोन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने इनका थोड़ा क्वालिटी चेक करी, बहुत देर तक सुन के देखा तो मुझे माइन्यूट सा बहुत फ़र्क दिखा कि 460BT के अंदर जो हाई एंड्स हैं वो काफ़ी थोड़े अच्छे हैं। ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा अगर आप नॉर्मल यूज़र से, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सॉन्ग्स लवर हैं तो आप 460 प्रीफर कर सकते हैं। इनमें आपको बेस थोड़ा और सॉफ्ट मिलेगा और आपको जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। कुल मिला के हाई एंड्स थोड़ा अच्छा है, लिटिल बिट, कोई नॉर्मल पर्सन फ़र्क ऐसे कर नहीं पाएगा। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा इनका सॉन्ग सुनाने की कोशिश करूँगा दोस्त, अगर आप सुन पाएँ तो। दोस्त, अब मैं आपको 450 का थोड़ा सा साउंड सुनाएंगे कि इनका बेस कैसा है, तो आप सुनिए खुद ही। अब आपको मैं दिखाऊंगा इस 450 की फिटिंग कैसी आती है। आप देख सकते हैं दोस्त, ईयर पे अच्छे से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, गिरने वरने की टेंशन है नहीं। कहीं पे आप इसे जॉगिंग करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त पहन सकते हैं और साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों अब मैं आपको 460 का थोड़ा साउंड सुनाऊंगा। आप देख सकते हैं 450 और 460 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिज़िकल ओवरव्यू में सेम वही है। ये थोड़े से टाइट हैं और इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, परफेक्ट। दोस्तों आपने दोनों की साउंड क्वालिटी देखी। तो इनका दोनों की जो रेंज है वो 9 से 10 मीटर की रेंज है। 11 आवर्स का इसमें प्लेबैक टाइम है जो कि काफ़ी डिसेंट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप मेटल डिज़ाइन में देखेंगे तो थोड़ी सी कम लगेगी, अगर आप प्लास्टिक में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है और ये ड्यूरेबल रहेंगे आपके, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। और इनका जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स कंपनी बताती है, 2 आवर्स में ये 0 to 5 से 100% मैंने चार्ज करके देखा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।